नमस्ते भाइयों, मैं क्या ही भाई बहनों। तो कल मैं गया था वैक्सीनेशन करवाने फोर्टिस में। जो फोर्टिस में जो सिस्टम है कि आपको वही ऑनलाइन का जो फॉर्म भरना होता है वो भरना, चाहे आप आरोग्य सेतु से करो चाहे आप कोविन ऐप से करो। और वहाँ पे जाके आपको एक और एक फॉर्म भरना होता है ताकि वो क्लैरिफाई कर सके कि आपका नाम उसमें है या नहीं। फिर आपको देते हैं वो एक नंबर देते हैं, जैसे मेरा था 55 और किन किन कई लोगों का था 100, 200, 300, 400, 500 का था। लेकिन ये है, नंबर की बात हो गई बाद में जब आप हॉस्पिटल गए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन वैक्सीन की आपको करनी कैसे है। अगर आप पहला डोज हो चाहे आप दूसरा डोज हो, दो तरीके हैं वैक्सीनेशन के, दो तरीके हैं रजिस्ट्रेशन के, सॉरी, एक है कोविन ऐप पे और एक है आरोग्य सेतु ऐप पे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आरोग्य सेतु और कोविड ऐप में क्या डिफरेंस है। आरोग्य सेतु और कोविड ऐप में कोई डिफरेंस नहीं है, आई रिपीट, कोई डिफरेंस नहीं है। कोविन ऐप जो है वो आपका वैक्सीनेशन करवाने में मदद करती है, बल्कि बल्कि आरोग्य सेतु दो चीज़ों में मदद करती है। आपको बॉडी गार्ड करने में मदद करती है और आपको वैक्सीनेशन करने में भी मदद करती है, ताकि आप सुरक्षित रहो, आबाद रहो और चुस्त चुस्त रहो। तो सबसे पहले जाते हैं कोविन ऐप के बारे में। ये आपने गूगल खोला, गूगल खोल के आपको कोविन रजिस्ट्रेशन ऐप खोलनी है। कोविन रजिस्ट्रेशन खोल के ये लोड ये कुछ ऐसा आएगा। हाँ, ऐसा ऐसा आने के बाद आपको ये पूछेगा रजिस्ट्रेशन और साइन इन फॉर वैक्सीनेशन। दोबारा रजिस्ट्रेशन फॉर और साइन इन फॉर वैक्सीनेशन, और फिर नीचे लिखा है ब्लैक में, वी विल सेंड यू वन टाइम पासवर्ड, इसका मतलब ओटीपी ऑन योर फोन नंबर, ठीक है। और आपको जैसे आप ओटीपी दबाओगे, ओटीपी दबाने के बाद आपको अपना नंबर देना है, XYZ नंबर देना है। नंबर देने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, वो भरना है उस ब्लैंक में, और आपका जो हॉस्पिटल है उसका नाम भी आएगा। वरना वरना आप आरोग्य सेतु का आप आरोग्य सेतु भी यूज़ कर सकते हो। और अगर नहीं आया, अगर वो लिंक आपके पास नहीं आया, तो एक रेफरेंस आईडी आई होगी, XYZ1234 करके XYZ आईडी आई होगी। वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपका जो नंबर है उसमें एक एड्रेस भी आएगा 2-3 दिन में, वो यूज़ उस पे जाना और गार्ड को दिखाना। गार्ड छुट्टी गाएगा कि जी आप गार्ड छुट्टी ही पूछेगा आपसे कि आपकी अपॉइंटमेंट है कि नहीं। आपकी अगर अपॉइंटमेंट है तो ही वो आपको लेगा, अपॉइंटमेंट नहीं है तो आपको वो नहीं लेगा। तो ये है कोविन ऐप की डिटेल्स। अब आते हैं सबकी फेवरेट आरोग्य सेतु ऐप में। आरोग्य सेतु वो वाली ऐप है जो जो कि अजय देवगन ने ऐड की थी और बताया था कि ये एक ऐसी ऐप है जो हमें बॉडीगार्ड करेगा। अगर आप 10 मीटर्स के रेडियस में हो या 9 मीटर्स के रेडियस में हो, तो आपको छुट्टी बता देगा कि आप सेफ हो या अनसेफ हो, चाहे आप नेगेटिव पर्सन में हो या पॉजिटिव पर्सन में हो। वैसे तो अच्छा है कि नेगेटिव पर्सन में हो ना, और अगर आप पॉजिटिव में हो तो आपको तो क्वारंटाइन होने की बहुत ज़रूरत है। ये खोली मैंने आरोग्य सेतु ऐप, ये मांगा ब्लूटूथ, ब्लूटूथ ऑन किया, अभी मैं सेफ में हूँ, मैं सेफ में हूँ। ये तो थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा है, सॉरी, अभी मैं सेफ में हूँ। और सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आएगा आपका ये योर स्टेटस। योर स्टेटस में नहीं करना, कोविड अपडेट में नहीं करना, वैक्सीनेशन में करना है। वैक्सीनेशन में आपको आपको पॉइंट आपको नीचे देखना है। नीचे एक ऐसा पॉइंट है कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट। दोबारा, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट, मतलब ये यही बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन की जो अपॉइंटमेंट है वो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नंबर वन, अपॉइंटमेंट फॉर एज 18-44,
वही इस फॉर्म को भरे और वैक्सीनेट हो। पॉइंट नंबर टू कहता है कि मिनिमम एज ऑफ ईच वैक्सीनेशन सेंटर इज डिस्प्लेड विद द नेम ऑफ द वैक्सीनेशन सेंटर। तो मिनिमम एज मतलब 18 18 से ऊपर वाले ही इस वैक्सीनेशन को ले, और जैसे आपकी एज है 17 16 15 14 13 12 10 9, वो इस वैक्सीनेशन को नहीं ले सकते, सॉरी। तो तीसरी ये कहती है कि मोर अपॉइंटमेंट स्लॉट विल सून बी ऑफर्ड, इफ स्लॉट आर नॉट करेंटली अवेलेबल प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम, बी रिक्वेस्ट योर पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका जो स्लॉट है वो नहीं आता इनके पास, बाई चांस नहीं आता, और ये हो गया दूसरा, ठीक है, बाई चांस अगर आपका स्लॉट नहीं आता और बाई चांस ये जो सर्वर है वो किसी कारण से हैंग हो जाता है, हैक नहीं होता, हैंग हो जाता है, तो आपको थोड़ी देर रुकना है, एक दो दिन रुकना है, फिर एक दो दिन के बाद आपको दोबारा रजिस्टर करना है। ये कहता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 कहते हैं कि आप एक से ज़्यादा 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। ऐड 5, ये कहता है कि आपको 5 ये कहता है कि दो वैक्सीन है, एक कोविंसन वैक्सीन, एक कोविशील्ड वैक्सीन। ध्यान से सुनना, एक कोविंसन वैक्सीन है, एक कोविशील्ड वैक्सीन है। तो फोर्टिस में 2 लग रही है, फोर्टिस में सॉरी 2 लग रही है, कोविंसन भी लग रही है और कोविशील्ड भी लग रही है। कल जब मैं गया था तो वहाँ पे कोविंसन थी, कोविशील्ड नहीं थी, कोविशील्ड खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसकी जो डिमांड है बहुत ही ज़्यादा है ड्यू टू सम रीज़न, उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। अब आते हैं लॉग इन एंड रजिस्टर में। लॉग इन में आपको सबसे पहले आरोग्य सेतु में अपना नाम देना है, XYZ आपका सॉरी नंबर देना है, XYZ आपका नंबर, फिर करना है प्रोसीड टू वेरीफाई। वेरीफाइड करने के बाद आपको आधार कार्ड देना है, ठीक है, आधार कार्ड देने के बाद आपको अपना नाम भरना है, XYZ या कोई भी बंटी चौंटी कोई भी कैसा भी नाम चलेगा। फिर आपको भरना है एज का रहने देते हैं। फिर आपको बनना है डेट ऑफ बर्थ 1999, मेरा है 1999 मेरा है, आपका जैसे 2000 है या 2012 है, 2006 है, तो आप वो भर सकते हो, आप कोई भी भर सकते हो, लेकिन लेकिन वो 18 साल के ऊपर होने चाहिए, 18 साल के नहीं होने चाहिए, 18 साल के ऊपर होने चाहिए। और आपको दोबारा कह रहा हूँ, इसके ऊपर N95 का मास्क पहनना है, क्योंकि पहले कोरोना की 2 स्टेज थी, 2 वेरिएंट थी, अब कोरोना की 3 वेरिएंट आ चुकी है।